ये सरकार को वाकई में हम 10 साल की रिपोर्ट की तरह पेश करें तो पिछले 10 सालों में डेवलपमेंट हुआ है, बिल्कुल हुआ है, पर डेवलपमेंट हुआ है पूंजीपतियों का, कॉरपोरेट का डेवलपमेंट हुआ है तमाम ऐसे लोगों का, ब्रिजभूषण जैसे लोगों का। हम बात करते हैं बेहतर शिक्षा व्यवस्था की, तो वो बोलते हैं जय श्री राम। हम बात करते हैं रोजगार की, वो बोलते हैं हम राम मंदिर बनाएंगे। जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से लेकर किसान देख लो, स्टूडेंट देख लो, सड़कों पे आ रहा है। सरकारी कॉलेज में कहते हैं फीस कहते हैं लाख लाख रुपए कर दी है। बीजेपी की एक बहुत बड़ी साजिश है ताकि सिर्फ वही तबका पढ़ पाए और वो तबका भी वो पढ़े जो ये लोग पढ़ाना चाहते। रोजगार को लेके, न्यू एजुकेशन को लेके आज तक वो कोई भी चीज़ें वो पूरी नहीं कर पाए हैं। 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी जो हिंदुस्तान के अंदर है। मोदी ने प्रॉमिस किया था जो 6% GDP वो खर्चा करेंगे एजुकेशन के ऊपर, पर अभी तक भी सबसे लोएस्ट परसेंटेज ऑफ GDP असल में अभी है वो है 3.2%। ये मनमोहन सिंह से भी कम है असल में। ये मॉडल अगर कोई स्थापित कर सकता है तो वो भाजपा है कि आप रेप करिए और आपको जेल से बारीक बरी किया जाएगा और आपको मालाएं पहनाई जाएंगी। ये मॉडल पिछले 10 साल में भाजपा ने भारत में स्थापित किया है। हिंदुस्तान के अंदर RSS BJP जो है हिंदुस्तान को पीछे धकेलने वाली जो छात्र नीति है उसको आज कैंपस के अंदर लागू करने की बात करी। मोदी जी से तो हाँ मिला, बहुत कुछ मिला है, महंगाई मिला है ऑब्वियसली, रिलीजन के दंगे मिले हैं ऑब्वियसली, कास्टिज्म मिला है, ये सब तो मिला ही है, अभी तो यही बाजार में चल रहा है। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय पीस इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल ब्रांच हगरगा रोड एंड मिसबा नगर गुलबर्गा। स्टूडेंट्स गेटिंग एजुकेशन फॉर बोथ द वर्ल्ड्स बेस्ट एकेडमिक इंग्लिश एजुकेशन डिप्लोमा इन अरबिक 2023 एडमिशन स्टार्टेड। कॉन्टैक्ट एंड विजिट स्कूल फॉर मोर डिटेल्स। और अब 2024 आ गया है, करीब 10 साल हो गए मोदी सरकार को, जो मोदी जी ने वादे किए थे आपको लगता है पूरे हुए? हम अपने खुद के मन के बात तो करेंगे नहीं, हम स्टैटिस्टिक्स देखेंगे। अगर हम देखेंगे जो PLFF जो लेबर स्टडीज़ का रिपोर्ट है उसमें अगर हम देखेंगे तो इंडिया में अभी 2019-2020 में जो रिकॉर्ड देखा गया था वो था हाईएस्ट लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट था। स्पेसिफिकली अनएम्प्लॉयमेंट किस ग्रुप में था, जो 18 से 24 होकर जो ग्रेजुएट होते हैं, जस्ट ग्रेजुएट पास हुए, उनके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा है। क्यों है ये अभी मुद्दा नहीं है असल में, अनएम्प्लॉयमेंट एक बिग इशू है क्योंकि ये हमारे युवा है, हम युवा है, हम काम करना चाहते हैं, पर ये मुद्दा अभी नहीं है। मुद्दा हो गया राम मंदिर, राम मंदिर मुद्दा होना चाहिए ऑब्वियसली, वो कुछ लोगों के लिए वो एक इशू है, पर सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है एम्प्लॉयमेंट, वो इकोनॉमी को बढ़ाता है और इकोनॉमी को पुश करता है। पर एम्प्लॉयमेंट अगर हम देखेंगे एक चीज़ है, दूसरा था मोदी ने प्रॉमिस किया था जो 6% GDP वो खर्चा करेंगे एजुकेशन के ऊपर, पर अभी तक भी सबसे लोएस्ट परसेंटेज ऑफ GDP असल में अभी है वो है 3.2%। ये मनमोहन सिंह से भी कम है असल में, अगर हम बोलेंगे तो मनमोहन सिंह में 4 point something आया था, पर अभी हम अगर देखेंगे तो अभी 3.2 है GDP खर्चा एजुकेशन के ऊपर। 6% कब पहुँचेगा हमको नहीं मालूम। तीन नंबर है अगर हम देखेंगे जियो यूनिवर्सिटी के बारे में, जियो यूनिवर्सिटी ये हम लोग का नया शिक्षा नीति के बाद ही हुआ था ऑब्वियसली। NIRF रैंकिंग तैयार हुआ है जियो यूनिवर्सिटी के ऊपर, NIRF रैंकिंग यूनिवर्सिटी के ऊपर आ गया यूनिवर्सिटी होने से पहले ही, अब ये कैसे हो सकता है हमको भी नहीं मालूम, इट इज़ नॉट लॉजिकली पॉसिबल। अगर हम ये प्रश्न पूछेंगे पार्लियामेंट में तो क्या करेंगे मोदी जी, मोदी जी ऑपोजिशन को ही हटा देंगे स्पीकर के माध्यम से। स्पीकर जो एक इंडिपेंडेंट लेजिस्लेशन होना चाहिए वो अभी पक्ष ले रहा है, तो ऑब्वियसली जब हम प्रश्न पूछेंगे ऑब्वियसली मोदी जी को सत्ता में जनता ही लाया है और प्रश्न पूछने का अधिकार भी है। जब हम प्रश्न पूछते हैं तब ऑपोजिशन को हटा देता है, जब नारेबाजी होता है तब JNU में चांसलर 20,000 की फाइन लगा देता है, तो यही होता है अभी। तो हाँ बोलिए, कुछ मिला आपको मोदी जी से? मोदी जी से तो हाँ मिला, बहुत कुछ मिला है, महंगाई मिला है ऑब्वियसली, रिलीजन के दंगे मिले हैं ऑब्वियसली, कास्टिज्म मिला है, ये सब तो मिला ही है, अभी तो यही बाजार में चल रहा है। लेकिन वो 2 करोड़ रोजगार देने की बात करके आए थे, युवाओं को सशक्त और मजबूत करने की बात करके आए थे। हाँ, दो करोड़ रोजगार मिला ना, गौरक्षक मिला, वो जो पीटते मारते रहते हैं गाय के नाम पर उनको भी नौकरी मिला शायद, तो वही रोजगार जो आया है अभी, बाकी असली नौकरी नहीं। असली नौकरी के बात करेंगे तो वो तो ऑपोजिशन को पार्लियामेंट से हटा देंगे। कुछ नहीं मिला, युवा खाली हाथ है 10 साल। अगर हम प्रश्न करेंगे
तो वो यूएपीए में घुसा देंगे। अभी भी उमर खलीद जेल में है, पड़े हैं, तारीख पे तारीख होता रहा है। उधर सनी देओल सपोर्ट कर रहा है बीजेपी को, और इधर तारीख पे तारीख हो रहा है उमर खालिद के साथ। तो यही हो रहा है अभी इंडिया में, तो यही चल रहा है। मैं बीजेपी सरकार ने युवाओं को क्या दिया, आपको क्या मिला? हमें तो कुछ नहीं मिला। जिस तरीके के वादे कर रहे थे कि आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पे खर्चा करेंगे, हम देख रहे हैं उनकी सरकार आने के बाद एजुकेशन पे खर्चा ही कम हो गया, बजट में खर्चा ही कम हो गया एजुकेशन के ऊपर। हमारे, मैं डीयू की छात्रा हूँ, डीयू में जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस तरीके से वहाँ पे कॉलेजेस में आज एग्ज़ाम, अभी हम लोग एग्ज़ाम चल रहा है, एग्ज़ाम में देखा जा रहा है कि बच्चों के लिए बैठने के लिए जगह ही नहीं है। शादी का टेंट लगाया जा रहा है ग्राउंड में कि बच्चे बैठे वहाँ पे और एग्ज़ाम दे पाए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है पहली बात। वहाँ पे आज भी हाइजीन, टॉयलेट्स में हाइजीन नहीं है। इसकी मांग जब करता है तो कॉलेज बोलते हैं कि पास फंड नहीं है। एक गवर्नमेंट कॉलेज होने के नाते आपके पास फंड कैसे नहीं है जब आपकी फीस हर साल बढ़ती जा रही है? मैं जिस कोर्स में, उसकी फीस 1 लाख से ज्यादा है। मैं जानना चाह रहा हूँ, मोदी जी ने जो वादे किए थे कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, आप महिलाएं, उन्होंने कहा था महिलाओं की भागीदारी होगी नौकरियों में, सरकार में, ये वादे पूरे कर पाए मोदी? नहीं कर पाए, वो तो दिख ही रहा है। जिस तरीके से महिलाएं जब सड़क पर आई, जब आईपी, मैं आईपी के स्टूडेंट हूँ, जब आईपी के स्टूडेंट्स अपने कैंपस में सेफ्टी मांगने लिए सड़क पर आए तो उनको डिटेन कर लिया गया। जब रेस्टलेस मूवमेंट हुआ तब जब महिलाएं सड़क पर थी तो उनको डिटेन कर लिया गया। तो आप देख रहे हैं महिलाओं को तो राइट्स उनके तो छीने ही जा रहे, साथ साथ कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। महिला विरोधी है मोदी सरकार? बिल्कुल है। जिस तरीके से युवा जब अपनी आवाज़ उठाते हैं तो उनको ज़बरदस्ती डिटेन करा जाता है, उनकी आवाज़ को चुप करने की पूरी कोशिश करी जाती है, तो युवा विरोधी तो ज़रूर है। 24 में चुनाव है, ये युवा जो हैं किसके साथ जाएं? ये युवा जाएंगे उन लोगों के साथ जो इनकी बातें सुने, जो इनकी मांग सुने। आज सबसे ज़रूरी मांग है एजुकेशन, और सबसे ज़रूरी मांग है एम्प्लॉयमेंट। अगर ये चीज़ नहीं मिल रही है, बेसिक चीज़ें नहीं मिल रही है, तो फिर वो सरकार जो मंदिर मस्जिद पे अपना पॉलिटिक्स चला रही है उसको तो सपोर्ट नहीं करेगा आज का युवा। 10 साल हो गए मोदी सरकार को, अगर मैं जानना चाहूँ तो युवाओं को क्या मिला इस सरकार? बिल्कुल, जो ये सरकार जो डेवलपमेंट के मॉडल पे 14 पे आती है, ये सरकार को वाकई में हम 10 साल की रिपोर्ट की तरह पेश करें तो पिछले 10 सालों में डेवलपमेंट हुआ है, बिल्कुल हुआ है। पर डेवलपमेंट हुआ है पूंजीपतियों का, कॉरपोरेट का डेवलपमेंट हुआ है, तमाम ऐसे लोगों का, ब्रिजभूषण जैसे लोगों का। हम देखते हैं IIT BHU में जब रेप होता है तो 3 के 3 जो गुनहगार निकलते हैं वो AVVP कार्यकर्ता निकलते हैं, वो IT सेल में होते हैं BJP के, इस तरह के लोग हैं। हम देखते हैं उदयपुर में रेप केस होता है तो वो BJP AVVP के कार्यकर्ता निकलते हैं। देश भर में ये मॉडल अगर कोई स्थापित कर सकता है तो वो भाजपा है कि आप रेप करिए और आपको जेल से बरी किया जाएगा और आपको मालाएं पहनाई जाएंगी। ये मॉडल पिछले 10 साल में भाजपा ने भारत में स्थापित किया है ना। सड़क पर चलते हुए हम लोगों को डर लगता है। हम देखते हैं वही जंतर मंतर है जहाँ पर रेसलर्स बैठी रही, हम न्याय की मांग करते हुए अंत में उनको रेसलिंग छोड़ना पड़ा। पिछले 10 सालों में हम देख रहे हैं लगातार खुले आम शिक्षा को बेचा जा रहा है, NEP जैसे मॉडल्स लाके, 4-ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जैसे मॉडल्स लाके, लगातार मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप जैसी फेलोशिप्स खत्म करके, तमाम तरह का स्कॉलरशिप खत्म करके। हम देख रहे हैं तमाम यूनिवर्सिटीज़ में, इलाहाबाद में 400% फी हाइक होता है, DU के तमाम कॉलेजेस में 100% 200% फी हाइक होता है। तो जो मॉडल भाजपा सरकार ने युवा को दिया है वो एक्चुअली में वो मॉडल है जो आपको कहता है पकौड़े तलिए। मोदी जी वादे करके आए थे 2 करोड़ नौकरियां देंगे, महिलाओं की सरकार और नौकरियों में भागीदारी होगी, युवाओं को सशक्त और मजबूत बनाएंगे, कर पाए? बिल्कुल नहीं सर। आप देखिए ना, देश के लिए जो गोल्ड मेडल जीत के आए हैं उन महिलाओं की सरकार में कोई इज्जत नहीं है। आए दिन हम देखते हैं हमारे कैंपस स्पेसेस अनसेफ होते जा रहे हैं, कैंपस में हमारे साथ छेड़छाड़ होती है, यौन हिंसा होती है और न्याय नहीं मिलता है। हम आए दिन देख रहे हैं कि उच्च शिक्षा से तमाम मार्जिनलाइज सेक्शन को, महिलाओं को, दलितों को, आदिवासियों को बेदखल किया जा रहा है। हम देख रहे हैं हमारे सिलेबस चेंज हो रहे हैं, सैफरनाइजेशन हो रहा है हमारे इंस्टीट्यूशंस का। JNU में, DU में RSS खुले आम है ना मार्च निकालता है, दिल्ली पुलिस कुछ नहीं करती है। किसी भी तरह का डाइसेंट, किसी भी तरह का प्रतिरोध होता है इन यूनिवर्सिटीज़ में। CRPF से लेकर तमाम पुलिस तैनात होती है, स्टूडेंट्स को बर्बरता से डिटेंशन करती है। तो ये मॉडल दिया है भारत। युवाओं के मामले में विफल है मोदी। बिल्कुल, युवाओं के मामले में, किसानों के मामले में, मजदूरों के मामले में, महिलाओं के मामले में विफल। बिल्कुल, तो युवा विरोधी मानते हैं BJP? बिल्कुल, एंटी पीपल, एंटी स्टूडेंट गवर्नमेंट है BJP। सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कहा जा रहा है BJP हराओ देश बचाओ, ऐसा क्यों लग रहा है कि BJP युवाओं के विरोध में काम कर? देखिए, जब से BJP सरकार सत्ता में आई है उसके बाद से लेकर आज तक, अगर हम BJP ने जो वादे छात्रों से किए थे, नौजवानों से किए थे, उस पर आज तक BJP खरी नहीं उतरी हो, चाहे राज्य के स्तर पे हो या पूरे देश के स्तर पे हो। भाजपा सरकार जब सत्ता में आई थी उसने कहा था कि हम 2 करोड़ रोज़गार हर साल देंगे, लेकिन रोज़गार के नाम पे उन्होंने सिर्फ आउटसोर्स
पर ही सिर्फ लोगों को जो है रोजगार करवाया, वो भी बहुत कम स्तर पर। और उसके साथ साथ आज जो छात्रों का यहाँ प्रदर्शन हो रहा है, हम मांग करते हैं वैज्ञानिक प्रगतिशील शिक्षा व्यवस्था की, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर आरएसएस बीजेपी जो है हिंदुस्तान को पीछे धकेलने वाली जो छात्र नीति है उसको आज कैंपस के अंदर लागू करने की बात करी है। जी कह रहे हैं मेरे राज में देश मजबूत हो गया, युवा मजबूत हो गया, कहाँ से किस आंकड़ों से लगता है कि देश मजबूत हुआ है? हमें तो कहीं नजर नहीं आया कि देश मजबूत हुआ है। आप हम बात करते हैं बेहतर शिक्षा व्यवस्था की तो वो बोलते हैं जय श्री राम, हम बात करते हैं रोजगार की वो बोलते हैं हम राम मंदिर बनाएंगे, हम बात करते हैं आउटसोर्स खत्म करके रेगुलर जो है वो जॉब हर व्यक्ति को दी जाए, वो कहाँ है? आज के समय में तो कोई नहीं है। अभी 24 में चुनाव है, आप लोग कह रहे बीजेपी को हराइए देश बचाइए, बीजेपी के खिलाफ वोट करेगा युवा? बिल्कुल युवा को करना चाहिए, जिस तरह का बेरोजगारी का आलम आज पूरे देश के अंदर है उसको देखते हुए जो युवा है जो नौजवान है वो बीजेपी के विरोध में वोट करेगा, वो जुमलों में बीजेपी के नहीं आएगा। बीजेपी इस बार चाहेगी कि वो राम मंदिर के नाम पे जो है वोट बैंक अपना बढ़ाए, लेकिन युवा नौजवान जो इस देश का है वो पढ़ा लिखा है, वो सशक्त है, वो समझता है कि बीजेपी किस तरह की राजनीति पॉलिसियां जो है आज छात्रों पे नौजवानों पे थोपने की कोशिश कर रही है। बीजेपी ने युवाओं के लिए कुछ नहीं किया? जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से लेकर किसान देख लो स्टूडेंट देख लो सड़कों पर आ रहा है, तो मतलब स्टूडेंट को देखते मद्देनजर रखते हुए तो हमें लगता है कि कुछ नहीं किया अभी तक, कुछ नहीं कर पाए। अब इसमें बीजेपी के खिलाफ वोट करेंगे? हाँ, अगर ऐसी इनकी मतलब शिक्षा विरोधी नीतियाँ चलती रही, अगर आप एनईपी देख लो तो उसके लिए स्टूडेंट सड़कों पे आएगा और प्रदर्शन करेगा। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय पीस इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल ब्रांच हगरगा रोड एंड मिसबा नगर गुलबर्गा। स्टूडेंट्स गेटिंग एजुकेशन फॉर बोथ द वर्ल्ड्स बेस्ट एकेडमिक इंग्लिश एजुकेशन डिप्लोमा इन अरबिक 2023 एडमिशन स्टार्टेड। Contact and visit school for more details.